चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आवारा पशु की समस्या उत्तर प्रदेश में बहुत ही गंभीर और गहरी समस्या है। इसका निदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक का समय दिया था, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल किसानों के साथ सरासर झूठ बोलने का काम किया है। खेती का क्या हाल है अभी? खेती तो सारी नष्ट करने का काम आवारा पशु करते हैं। जैसे किसान अपने गन्ने की फसल बोता है, छोटा छोटा गन्ना होता है उसको चूंट देते हैं, गेहूँ की फसल है पूरी तरह से उसको रोंद देते हैं। ये जो नुकसान होता है किसान का, इसकी भरपाई कैसे होती है? नुकसान की भरपाई तो किसान सहन करने का काम करता है, भरपाई किसी की तरह कुछ नहीं होती। नुकसान है, किसान अपना चुप होकर बैठ जाता है। पशु ने तो जो है किसान बर्बाद कर दिए, एक तो आवारा पशु और एक नील गाय, जिन्हें किसान मतलब किसान इनका कुछ कर ही नहीं सकता और सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर रही। और आवारा पशु तो भाई एक दिन में आवे सारी किसान की फसल बर्बाद कर कर चले जाओ। अब जन नेता लोग है अपना बैठे इसी में और मौज कर रहे, किसानों को तो देख ही नहीं रहे किसान कैसे बर्बाद हो रहा है देश का। गौशाले भी बहुत बन रही है बहुत सारी, और उसके नाम पे दान भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये चीजें कहाँ जा रहे, क्या ये काम नहीं कर पा रहे? इसके लिए नगर आयुक्त नगर पालिका में ईओ जिम्मेदार है, क्योंकि नगर आयुक्त और ईओ कस्बे के जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, सक्षम अधिकारी होते हैं, इन पर जवाबदेही तय हो। बहुत सारे संगठन चलते हैं, जैसे गौ रक्षक दल भी बनाए गए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये लोग कब का है? ये बजरंग दल एक राजनीतिक मुद्दा बनाती है हिंदू और मुस्लिम का, गौ माता के नाम पर वोट बटोर कर सत्ता में आना चाहती है, परंतु किसान और नौजवान इस बार जागरूक है, 2024 के चुनाव में गौ माता के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेगा। पापा सो के घर से आ रहे थे, रास्ते में गली में बिजार खड़ा हुआ था, उसने टक्कर लगाई, कम से कम 5-6 फुट ऊपर उठाया और जब गिरे सांड के सर से 5-6 फुट ऊपर नीचे, उनका सिर लगने के बाद पोस्टमार्टम में जो आया खड्डा यहाँ भी है साइड में है और मणिया टूट गया, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। तो अस्पताल तक भी नहीं ले जा पाएगा? नहीं जी, 10-15 मिनट में यहीं घर पे ख़त्म हो गए थे, इतने डॉक्टर है जो यहाँ, इन्होंने इंजेक्शन लगाया, इतने को देखभाली करी, यहीं हो गए थे ख़त्म। कितने साल के थे पिताजी आपके? पिताजी की उम्र 70 साल हो चुकी थी एक्सपायर हुए जब। तो जैसे उनका देहांत हुआ इस हादसे से, आपने आपसे आपको कहीं कोई मुआवजा कोई मदद? कोई मुआवजा नहीं मिला जी। कोशिश की आपने? कोशिश करी जी, पेपर लगाए, उन्होंने कहा उन्हें तहसील में भी गए, इनका लगे लखनऊ से होगा। अभी क्या स्थिति है आपकी, परिवार घर परिवार सब चल जाता है ठीक ठाक? कैसे मुझे गुजारा करना पड़ रहा है, मतलब अपना रिजर्व खा रखी है नजदीक। दिखा दिया तो रोकथाम कैसे करो थोड़ी बहुत? रोकथाम में पड़ोसी में हम अपने आप खेत में खाट भी छा के बैठ जाए, दिन में काम करे रात को अपना नींद नहीं आ रखे।
तीन साल से चल रही है, इसमें बंद कर दिया तो बंद हो गया, नहीं बाकी एक बार गेट खुल जाओ सारे बाहर निकल जाएंगे तुरंत। एक हाथ नहीं आने का, सरकारी जगह है जी। हाँ पूरी अच्छी तरीके से नहीं होती। ले लो कितना पशु है, कितना पशु है आप चारा देख लो कितना पड़ा हरा। देखो भैया आवारा पशुओं की समस्या ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारे आवारा पशु हो चुके हैं और ये किसी भी समय लड़ते लड़ते बीच रोड पे पहुँच जाते हैं। सामने से बाइकर आ रहा, कार वाला आ रहा, उससे टकरा गए, इनको भी चोट लगती है और जो बाइक वाला या कार वाला है तो उसको भी बहुत चोट लगती है। डिवाइडर से दूसरी साइड कूद जाते हैं, इनकी एक समस्या बहुत बड़ी समस्या होगी। शहर में कितनी संख्या में ऐसे घूमते होंगे? लगभग यहाँ पर 25 से 30 पशु हैं जी, जो सब सभी के सभी साथ घूमते हैं पूरे शहर में, इधर से उधर उधर से उधर। टाउन के कर्मचारी आते हैं, उन्हें उधर से इधर को भेज देते हैं, थोड़ी देर बाद ये इधर से फिर उधर को चले जाते हैं। इस तरह से बेचारे ये भी फिरते रहते हैं और दुर्घटनाओं का भय हर समय बना रहता है। सरकार इनकी तरफ ध्यान तो दे रही है लेकिन अभी भी कोई ऐसी प्रॉपर या स्थायी गौशाला नहीं बनी बड़े स्तर की जहाँ पर इनको भेज दिया जाए।